रुकिए रुकिए भाई साहब, वीडियो बंद मत कीजिए, अन्यथा बहुत ही जरूरी खबर छूट जाएगी। अब आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के छात्रों को भाई साहब छात्रवृत्ति मिलेगी, और ऐसी छात्रवृत्ति मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अब बीजेपी सरकार भाई साहब हर तरह का प्रयास कर रही है छात्रवृत्ति देने का। फिलहाल आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के कोऑपरेटिव बैंक सभागार में अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष पूर्णिमा वर्मा प्रकट हो गई थी। भाई साहब मीडिया वालों ने चारों तरफ से घेर लिया और पूछा कि बताइए आज आने का उद्देश्य क्या था और किस तरह से छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार हमारी आदरणीय मोदी जी की छात्रवृत्ति योजना जो हमारे छात्रों के लिए चलाई गई है, उसके संदर्भ में आज पूरे प्रदेश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जो हमारे अनुसूचित जाति के SC ST के हमारे बच्चे हैं जो हैं, वो हाई स्कूल के बाद जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति की योजना केंद्र मंत्रिमंडल से विस्तारित की गई है, उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता थी कि जो हमारी केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप का 59.048 जो हमारा स्कॉलरशिप का 60% दिया है, और बाकी का हमारी स्टेट गवर्नमेंट का करेगी, ताकि हमारे जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं वो आगे की अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसका समाधान के लिए हमारे कृषि मंत्री जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसकी विस्तार के लिए हम और उसका समाधान के लिए लगे हुए हैं, और जल्द से जल्द वो समस्या का निस्तारण। तो भाई साहब पूर्णिमा वर्मा जी की बातें हमने सुनी और सुन करके पूरा माजा विस्तार पूर्व समझ गए होंगे। और किसानों की समस्याओं के लिए जब इनसे प्रश्न किया गया उसके बारे में भी इन्होंने कह दिया कि चिंता मत करिए, किसानों की समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए सहयोगी अरशद के साथ शेयर की।